हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाय मदर टीचर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। प्री प्राइमरी क्लासेस में जब बच्चे को हम काउंटिंग स्टार्ट करवाते हैं तो 1 to 10 की काउंटिंग लिखवाते वक्त हम काउंटिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से टी और ओ प्लेस करते हैं। टी और ओ क्या डिनोट करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मैथ्स में, चलिए हम आगे बात करते हैं। बेसिकली इन्हें कहा जाता है प्लेस वैल्यूज। अब प्लेस वैल्यूज होती क्या हैं? प्लेस वैल्यू टेल्स अस द वर्थ ऑफ एनी डिजिट इन द गिवन नंबर। अगर आपको कोई नंबर दिया है और उस नंबर में हर एक डिजिट का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उस प्लेस की जो भी वैल्यू होती है हम उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है। व्हाट डू वी डू विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू? फर्स्ट है, वी कैन रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को लिखने और पढ़ने में प्लेस वैल्यू बहुत यूज़फुल है। वी कैन लर्न एक्सपैंडेड फॉर्म ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यूज। नंबर्स को एक्सपैंड करना भी हम प्लेस वैल्यू के थ्रू सीखते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट एनी नंबर इन वर्ड फॉर्म। जिन्हें हम बेसिकली नंबर नेम्स कहते हैं, उस वर्ड फॉर्म में भी वर्ड नंबर्स को लिखने में प्लेस वैल्यू की हेल्प ली जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप वर्कशीट्स के थ्रू इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट कुछ इस तरीके से मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। आप अपने बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग नंबर्स को वंस प्लेस, टेंस प्लेस या हंड्रेड प्लेस तक का रख सकते हैं। मैंने यहाँ थाउजेंड्स प्लेस तक लिया है। तो चलिए, जैसे ये नंबर 4 है तो 4 एक सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर हमेशा आएगा वंस प्लेस की अंडर। So we will write number 4 under ones category. 9 is also a single number. We write it down under ones. अब जैसे 10 है तो ये 2-digit number है। हमेशा हम पीछे से number को उठाते हैं maths में। कोई भी sum हम करते हैं, addition, subtraction, हमेशा पीछे से start करते हैं। इसी तरीके से पीछे वाला number जाएगा ones के नीचे और आगे वाला number टेंस के नीचे। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को लिख देंगे। अब 3-digit नंबर में भी 6 सबसे लास्ट नंबर है, ये जाएगा वंस प्लेस के अंडर, देन 5 टेंस के अंडर एंड देन 1 हंड्रेड्स के अंदर। इसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी बच्चे लिखेंगे। एंड थाउजेंड्स में लास्ट नंबर वंस के अंडर, सेकेंड नंबर अगेन टेंस के अंडर, थर्ड नंबर हंड्रेड्स में और फोर्थ नंबर थाउजेंड्स के नीचे। सो बेसिकली जिस कैटेगरी के अंडर नंबर फॉल कर रहा है वो बन जाती है उसकी प्लेस वैल्यू। वंस डिनोट करता है सिंगल डिजिट नंबर को, टेंस में 2-digit नंबर आते हैं, हंड्रेड्स में 3-digit नंबर और थाउजेंड्स में 4-digit नंबर। इसीलिए टेंस के पीछे 10 लगती है, हंड्रेड्स में 2 जीरोस और थाउजेंड्स में 3 जीरोस, और वंस में आता है सिंगल डिजिट नंबर। देन सेकेंड वर्कशीट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन डिजिट्स की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है इस नंबर में। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, वंस टेंस, तो हम लिखेंगे 1 10, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 0, बिकॉज टेंस में 1 0 होती है तो नंबर के पीछे 1 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देन वंस, सो वी कैन राइट इट डाउन 9 वंस और सिंगल नंबर 9। इसी तरीके से वंस टेंस, 0 टेंस और 0 0। इसी तरीके से इसमें वंस टेंस हंड्रेड, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 4 hundreds और 4 0 0।
इसी तरीके से बाकी सब भी बच्चे कर लेंगे, जैसे इसमें है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो हम इसे लिखेंगे वन थाउजेंड्स और वन जीरो जीरो जीरो. लेट्स मूव टू द थर्ड वर्कशीट. प्लेस जीरोस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वन टेंस. अब आप नंबर लिखेंगे यहाँ पे वन और देखेंगे कि किस कितना जीरोस उसमें ऐड होंगे एज पर द प्लेस. टेंस है तो टेंस में वन जीरो ऐड होगी. नाइन वंस, नंबर लिखेंगे नाइन और वंस, तो वन वंस में कोई जीरो ऐड नहीं होगी तो ये सिंगल नंबर नाइन रहेगा. देन थ्री हंड्रेड्स, नंबर लिखेंगे थ्री एंड देन हंड्रेड्स में आती हैं दो जीरोस. इसी तरीके से फोर, नंबर लिखेंगे फोर और थाउजेंड्स है तो थाउजेंड्स में ऐड कर देंगे थ्री जीरोस. इसी तरीके से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और बच्चे को इसकी डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक हम लार्ज नंबर्स को रीड और राइट करना सीखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते हैं, प्लस नंबर नेम्स हम इजीली कर पाते हैं. तो बच्चों की ये कॉन्सेप्ट ईजी बनाने के लिए हमें उन्हें प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से सिखाना ज़रूरी है. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.